नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम कैरेक्टर वेरिएबल को कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को कैसे हम आरे में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप होगा यहाँ पे, वो क्या होगा आपका कैरेक्टर टाइप होगा, क्या होगा आपका कैरेक्टर टाइप होगा। कैरेक्टर टाइप में हम ऐसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक क्लास बना लो यार, पब्लिक क्लास कैसे ले लिया आपने, फिर आप क्या करोगे बेटा, मेन मेथड बनाओगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे वाइड टीम, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट कर दोगे, और इसके बाद में ठीक है इतना तो सबको पता है, क्लास बना लिया, मेन मेथड बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एरे क्रिएट करना। अब एरे का टाइप क्या होगा, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप के लिए आप क्या कर दोगे कैर, और यहाँ पे एरे के लिए हमने ले लिया सी एच, ठीक है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू चलना है। अब यहाँ पे सपोज सी ओ एम पी यू टी ई आर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब क्या करना है मुझे, इसी एलिमेंट को हमें डिस्प्ले कराना है और प्रिंट करना है। सपोज यहाँ पे ऐड तो कर नहीं कर सकते, मतलब सारे एलिमेंट को कंबाइन करके हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं एरे में, कैसे करेंगे, तो आई बात समझ में, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप इनिशियलाइज कैसे करोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, सिस्टम नाम आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट द एरे एलिमेंट पार, एरे एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, ठीक है, हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, और इसके बाद लूप चलाएंगे फॉर, तो लूप चलाना है तो प्रिंट आई के वैल्यू से लेते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहां तक करेगा काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक करेगा आपका 8 आई प्लस प्लस, ओके। और यहां पे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे एस ओ पी, इसको प्रिंट कर लोगे ए सॉरी एरे में क्या आपने क्या सी एच आई, याद रखना जब प्रिंट करना है लूप के थ्रू तो आप ऐसे डायरेक्टली प्रिंट कर लोगे, और इसके बाद आपने दोनों लूप आप यहाँ क्या करोगे बंद कर दोगे, और आपका सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे, कंट्रोल आपका एग्जीक्यूट करेगा, सी एच मेमोरी लोकेट करेगा, और मेमोरी में आपका सी ओ एम पी यू टी ई और आर लिखा हुआ, इसका एड्रेस कितना होगा सी एच 0, इसका एड्रेस कितना होगा आपका सी एच 1, इसका एड्रेस कितना होगा सी एच 2 डॉट, इस तरीके से आपका एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका लूप चलेगा, तो पहले आई की वैल्यू कितना 0, कंडीशन चेक करेगा 0 क्या इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन आपका क्या है ट्रू है, तो एस ओ पी, अब आउटपुट क्या आएगा एस ओ पी, एस ओ पी में सिस्टम डॉट और सी एच आई क्या प्रिंट कर देगा, सी एच आई मतलब सी एच 0, और सी एच 0 में क्या है सी प्रिंट कर देगा आपका, ओके। अगेन कंट्रोल जाएगा आपका यहाँ से, कहाँ कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू कितना रहेगा 1, और 1 से कंडीशन आपको यहाँ ट्रांसफर होगा, चेक करेगा 1 प्लस दैट है कंडीशन ट्रू है, फिर अगली बार क्या प्रिंट करेगा सी एच 1, अगली बार क्या प्रिंट करेगा सी एच 1, और ये आपका कहाँ पर प्रिंट करेगा एस ओ पी एल एन नहीं लगा उसी लाइन पे प्रिंट करेगा, मतलब यहीं पर आपका क्या कर देगा ओ 1 पे कितना स्टोर है ओ स्टोर है, ठीक है। अगेन आपका लूप में जाएगा आई की वैल्यू क्या होगी 2, कंडीशन चेक करेगा 1 प्लस दैट है कंडीशन रहेगा ट्रू, और क्या प्रिंट कर देगा सी एच 2, सी एच 2 में या सॉरी सी एच 1 करेगा आपका 1 हो गया 2, हां 2 में आपका क्या स्टोर है एम, ऐसे आपका क्या करेगा कंप्यूटर को प्रिंट कर देगा, और जब कंडीशन 8 प्लस देन 8 होगा कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, लूप से एग्जिट करेंगे, और फिर हम क्या करेगा हमारा क्या आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा कंप्यूटर। तो देख रहे हैं आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डेटा को रीड करना बहुत ईजी है, और रीड करने के बाद में हम डेटा को कैसे डिस्प्ले करा रहे हैं। चलिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का हो तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। हम तीनों टाइप देख लेते हैं, इंटीजर हमने देख लिया, हमने कैरेक्टर टाइप देख लिया, अब हम क्या देखने चलते हैं इंटीजर टाइप। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंटीजर टाइप में हम डेटा को कैसे सॉरी स्ट्रिंग टाइप में डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। कौन सा टाइप है आपका स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप में कुछ नहीं करना बेटा, पब्लिक क्लास एस3 प्रोग्राम का हमें चल रहे हैं तो हमें क्या लिखे एस3, इसके बाद आप क्या लिखोगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
यार आप लोगों ने, और इसके बाद में क्या करोगे बेटा यहाँ पे, इसके बाद में अब आप यहाँ पे आर क्रिएट करना है स्क्रीन का, तो आप क्या लिखोगे स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू, और जब स्ट्रिंग लिखोगे तो डबल कोट्स में आप लिखते हो कैरेक्टर को, आप सिंगल कोट्स में लिखते हो, चीज को आपको पहले ही पता है। और सपोज मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, अमित, सपोज हमने लिख दिया एस सी से, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया अयोध्या, ये कुछ मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ओके मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ सारे स्ट्रिंग को स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो क्या करोगे आप कुछ नहीं, ठीक है, एक मैसेज देना चाहते हो आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं, एलिमेंट और कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, फिर आप लोग चला दोगे फॉर आई, सॉरी आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो प्रिंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आपका कितनी टाइम चलेगा 1 2 3 एंड आई प्लस प्लस, और फिर आप यहाँ पे एस ओ पी एल एन में आप इसको प्रिंट कर देंगे, एस टी आर आई को प्रिंट कर देंगे, ओके एस टी आर आई को आप प्रिंट कर देंगे और दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे, आपका ये प्रोग्राम बन गया स्ट्रिंग का। जब आप इसका आउटपुट चेक करोगे बेटा तो आउटपुट आपका क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा कैसे प्रिंट आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका अमित एस सी जे और क्या लिखा हुआ है अयोध्या, इसका एड्रेस क्या होगा एस टी आर जीरो, आपका बनाएगा एस टी आर वन, या आपका बनाएगा एस टी आर टू, कंडीशन चेक करोगे आई इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन आपका कितना 3 है, कंडीशन आपका 2 है, तो क्या प्रिंट कर देगा एस टी आर आई मतलब क्या प्रिंट करेगा आपका एस टी आर जीरो, जीरो में क्या लिखा होगा तो स्क्रीन पे क्या आएगा अमित, कंट्रोल आपका जाएगा एड्रेस प्लस आई की वैल्यू कितना आएगा 1 1 लेस देन 3 कंडीशन अभी भी 2 है। अब यहां एस ओ पी एल एन लिखा हुआ तो आउटपुट आपका क्या प्रिंट करेगा एस टी आर 1, नेक्स्ट लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में आपका क्या प्रिंट कर देगा XCJ, ऐसे आपका कंट्रोल चलता रहेगा और इसी तरीके से आपका क्या है पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो प्रिंट होता रहेगा। तो बेटा आई बात समझ में कि हम आरे में कैसे डेटा को रीड करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, हमने इंटीजर टाइप दे लिया, हमने कैरेक्टर टाइप दे लिया, हमने स्ट्रिंग टाइप भी, तीनों टाइप हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं आरे को यूजर इनपुट में हम कैसे इंसर्ट करते हैं, एरे को यूजर इनपुट में हम कैसे इंसर्ट करके हम जो है उसका आउटपुट या उसमें प्रोसेसिंग और उसका आउटपुट कैसे आता है हम इन सारी बातों को यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, ठीक है, ऐसे पढ़ते रहो और अगर कोई भी डाउट आती है आप पूछते रहो। सेकेंड टाइप यूजर इनपुट, अगर हमें यूजर के थ्रू इनपुट लेना हुआ तो हम एरे में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम पैकेज यूज करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, फिर आप क्या करोगे क्लास बनाओगे पब्लिक क्लास एस फोर मान लीजिए हमारा है प्रोग्राम, नेक्स्ट आप फिर क्या करोगे मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआर एंड इसके बाद अब आप क्या करोगे एरे क्रिएट कर लेते हैं, सब लोग इंटीजर हमें क्रिएट करना ए, ठीक है, एम एरे मैंने कोई क्रिएट कर लिया, न्यू आईएनटी मैंने कहां तक लेके चल रहे हैं 10 साइज का ले लिया 10 ले लिया। अब यूजर इनपुट लिखना है तो यहां पे हम क्या करते हैं क्लास सब लेते हैं यहां पे सम निकल लेना है, ठीक है, यहीं पर हम इन ले लेते हैं एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इनपुट वेरिएबल ले लेते हैं आई को चलाने के लिए, ओके यहां पे हम मैसेज दे देना चाहते हैं एस ओ पी एन इंटर एरे एलिमेंट, एक मैसेज हम क्या दे देते हैं इंटर एरे एलिमेंट। अब मुझे एरे एलिमेंट को इंटर करना है तो लूप चलाना पड़ेगा आपको फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, हां तो लूप चलेगा 10 तक चलेगा साइज कितनी है 10। अब इसके बाद में हम आप क्या करोगे जो एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो कहां स्टोर होगा एम आई अरे आपने लिया एम आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी
यहाँ दिमाग यहाँ पे अभी तक आप डायरेक्ट बराबर लिख करके एसिड और नेक्स आई एन टी लिख देते थे, अब यहाँ आयरन एन लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में आई कर देंगे और फिर क्या होगा वन बाई वन डेटा आपका यहाँ आयरन में पूरा साइज स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद में अब आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप भी क्या करोगे एस ओ पी एल एन एरे एलिमेंट आर अगर आपको डिस्प्ले कराना है आगे आप लूप चलाओगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस ओके और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं सम करके प्रिंट करना चाहते हैं तो एस इज इक्वल टू एस प्लस एम आई अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसको ठीक है एस इज इक्वल टू एस एम प्लस आई प्रिंट कर लिया हमने और इसके बाद में एस ओ पी एल एन में हमने क्या कर दिया है यहाँ पे जो है एम आई को प्रिंट कर लिया और बंद कर दिया यहाँ पर। इसके बाद जब प्रोग्राम से बाहर निकला तो एस ओ पी एल एन सम ऑफ अरे इज इक्वल टू प्लस एस को प्रिंट कर दिया ठीक है कुछ नहीं करना वैसे जैसे आप करते थे वही काम करते चलेंगे। बस ये चीज ध्यान देना है जब डेटा को आप रीड कर रहे हो तब भी लूप लगाओगे, डेटा को प्रोसेसिंग कर रहे हो प्रिंट कर रहे हो तब भी लूप लगाओगे। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है रीडिंग टाइम भी लूप चलेगा और प्रोसेसिंग टाइम भी लूप चलेगा ठीक है तभी आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा। बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट है एरे में ठीक है और इसी पे आप कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो ठीक है एरे में जो भी आपका प्रोग्राम बनाने हैं। एक बार इसका आउटपुट अगर आप देख लोगे कुछ नहीं आप समझ गए क्या करेगा आपका मेमोरी एलोकेट कर देगा आपके सिस्टम में ठीक है आपका क्या करेगा मेमोरी एलोकेट कर देगा आपका लोकेशन यहाँ पे क्या करेगा आपसे इंसर्ट करेगा जब आप आई की वैल्यू जीरो होगी फर्स्ट वैल्यू आप इंसर्ट करोगे यहाँ स्टोर होगा एम जीरो में सपोज आपने प्रिंट कर दिया कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस नेक्स्ट वैल्यू में हाई स्टोर होगी एम वन में 20 इस तरीके से वो आपका एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री में स्टोर होता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे वो पूरा एरे आपका क्या होगा फुल रहेगा। जब एरे आपका फुल हो गया कंडीशन आपका क्रॉस हुआ तो आपके स्क्रीन पर मैसेज क्या आएगा एरे एलिमेंट आर एंड फिर आपका लूप चलेगा और यहाँ पे हमने सम भी करा दिया है डिस्प्ले कराने के साथ साथ पहले मैंने सम करा दिया नहीं तो आप इसको आप अलग से फिर से लूप लगा के कर सकते हो मैंने एक ही लाइन में कर दिया ओके तो यहाँ पे सम भी हो रहा है और डिस्प्ले भी आपका एलिमेंट हो रहा है ठीक है और इसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो टोटल सम देखिए एक चीज को अगर हम इस लाइन में कर देंगे तो हर एक लाइन में सम होता चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना इस लाइन को अगर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये टर्म्स भी आपका प्रिंट होता रहेगा तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा हमें इसको लूप से बाहर ही रखना है ओके। आई थिंक एरे की बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और अच्छे प्रोग्राम की बातें करेंगे ओके बेटा थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आप कमेंट करके आप मुझे बताओ आप मुझे मैसेज करके बताओ ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ठीक है। अगर आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में आपको वीडियोस चाहिए आप बता दीजिए मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियोस बना के देता हूँ ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए अरे जावा प्रोग्रामिंग में कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका फिर से बताइए। अगर आपको और पुराने वीडियोस मेरे देखने हैं तो आप नीचे सब्सक्रिप्शन में जाइए वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मुझे आपको मिल जाएंगे ठीक है और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं ओके बेटा। सो बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना फिर मिलते हैं ओके बेटा जय हिंद।